वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। तो आज गाइस हम लोग आ चुके हैं खाटू श्याम मंदिर। तो आपने इस मंदिर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। तो गाइस अभी हम लोग प्रसाद ले रहे हैं, जैसे कि आज बोल चुके हैं। तो आज हमारे साथ में राहुल भाई, बहुत टाइम बाद हनुमान धाम मंदिर के बाद आज आए हैं साथ में। तो हम लोग प्रसाद ले लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। हम लोग आ चुके हैं अभी रास्ते में, रास्ता बहुत ही साफ है जैसे कि आप देख सकते हैं। और हम हर वीडियो में आपको हरा भरा माहौल ही दिखाते हैं, जैसे कि इस वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा। गाइस हमने आपको बताया, जैसे कि आपने टाइम से आप देखी होगी, तो अभी रास्ता खत्म नहीं हुआ है। गाइस अभी भी हम लोग चल ही रहे हैं, अभी भी समझ लो अप्रोक्स टाइम लगेगा 5 से 10 मिनट तक का, अभी भी रास्ता बाकी हुआ है। और हम लोग ये राइट पैदल कर रहे हैं, उसकी एक वजह है क्योंकि भाई दर्शन करने का जाने का मज़ा तो पैदल ही आता है यार। अभी भाई बाइक से या गाड़ी से जाते तो अप्रॉक्स मुश्किल से 10-5 मिनट लगता पहुँच जाते, और व्लॉग में मज़ा भी नहीं आती आप लोगों को, और आप लोगों को टाइम स्लैप भी देना, तो इस वजह से ये राइड हम लोग पैदल कर रहे हैं। तो चलिए गाइस आप लोगों को अब आगे मंदिर चल के ही व्लॉग स्टार्ट। हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं रास्ते में, अभी भी रास्ते में। आप सोच रहे होंगे हम लोग रास्ते में क्यों हैं। गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कितना लंबा रास्ता है, कैमरामैन दिखाओ इन्हें। दिखा रहे आगे देखो। हाँ तो गाइस रास्ता बहुत लंबा है, और आप यहाँ पे नदी के मज़े ले सकते हैं, जैसे कि उस तरफ देख के। नदी काफ़ी गंदी हो रही है आजकल। गंदी वैसे यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। और गाइस एक छोटी सी गलती के कारण हम लोग रास्ता नहीं भूले, हमारा कैमरामैन पैदा हो गया। तो आ चुके हैं गाइस हम लोग फिर से एक बार। हम लोगों ने वो सूखी रोड छोड़ दी है गाइस, देख सकते हैं आप यहाँ कितना हरा भरा है, जैसे कि हमें पसंद है और आपको भी पसंद है। चलो गाइस आप देख सकते हैं कितना हरा भरा है, वहाँ गुफा भी बनी है। चलिए चलते हैं यहाँ। राहुल आगे हम लोगों को रास्ता दिखाएंगे, गलत मत सोचिए। अगर इसके अंदर गुफा के अंदर गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये नाटू पेड़ बोले जाते हैं, खाटू पेड़ बोले जाते हैं। अच्छा देख सकते हैं हम लोग काफी चल रहे हैं, ये उनके पापा बोले जाते हैं काफी बड़े। आप जिनको हमने पापा बोला था उन्होंने हमें सजा भी दे दी गाइस, 3-3 डस लिया हमें गाइस। गाइस लगी बहुत जोर से, लेकिन गाइस आपके लिए हम लोग फिर से वीडियो बनाएंगे, लगी होगी कोई बात नहीं। गाइस आगे चलते हैं। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं रास्ता हम लोगों को मिल चुका है, खड़ी खड़ी रोड मिल चुकी है एकदम प्लेन। और गाइस आइए चलते हैं, इसको पार करते हैं। हम लोग खाटू श्याम पहुँच ही चुके हैं गाइस, रास्ता तो बहुत ईजी था लेकिन हम लोगों ने मुश्किल आपको दिया। और गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, तो आगे मिलते हैं। गाइस हम लोग आ चुके हैं, जैसे कि आप रोड देख सकते होंगे, आपको खाली रोड इसलिए दिखा रहे हैं, कंटेंट की कमी हो गई है यहाँ पे। और गाइस ये देखिए झूले ही झूले, हमारे प्रिय सज्जन ने बोला कि यहाँ से स्टार्ट हो चुका है तो हमें ले आए झूले पे। अब इन्हें मारे कि छोड़ दिया जाए गाइस, आप कमेंट करके बताइएगा। कमेंट ना भी करेंगे तब भी हम मारेंगे इसे, ये इनकी शक्ल देख लिए। ये देखिए गाइस आ चुका है यहाँ पे क्या। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं खाटू श्याम आ चुके हैं। गाइस ब्लेसिंग हो रही थी मेरी गाल में। तो गाइस आप देख सकते हैं खाटू श्याम मंदिर, और जय खाटू श्याम लिखना मत भूले कमेंट में। गाइस हम यहाँ से इसलिए रहे हैं गाइस क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। क्यों कैमरामैन कैसा लग रहा है? अरे बताओ पूछो मत यार, दिल को सकून मिल गया। गाइस मेरे कैमरामैन का कैमरा पकड़ते ही म्यूट का बटन दब जाता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। कोई टेंशन नहीं आप ही की बात हो रही है। गाइस हम लोग आ चुके हैं मंदिर के पास, जैसे कि आपको दिखाया। और गाइस अब हम लोग जा रहे हैं प्रसाद चढ़ाने। गाइस हम लोग आपको इसलिए दिखा रहे हैं वीडियो बिकॉज आप भी जाने, काफ़ी अच्छा मंदिर है और यहाँ के बारे में काफ़ी चर्चा होती है और काफ़ी दूर दूर तक। तो गाइस यहाँ इसलिए हम धीरे बात कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे चिल्लाना मना है, जोर से बोलना मना है। साइलेंट इज द बेस्ट पॉलिसी, जोर से बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। You
निकलिएगा। जब लोग दर्शन तो कर चुके हैं, अब घर के लिए निकलेंगे। गाइस हम यहाँ आ चुके हैं बैठने, और जैसे कि गाइस मेरी मेन हमसे ज़्यादा आवाज़ आपको इधर उधर की आ रही होगी। यहाँ से काफ़ी अच्छा लग रहा है, मन कर रहे हैं हम बैठे रहें भाई। मंदिर की बात ही ऐसे सब लोग बैठे हैं। आधा घंटा बैठ चुके हैं, काफी अच्छा लग रहा है। जाने का टाइम भी हो रहा है, तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बाकी आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट में। और बाकी जैसे डेली करते हैं वैसे आपके साथ आज भी कहेंगे कि चलते हुए बात करते हैं, चलिए चलते हैं। गाइज हम लोग आ चुके हैं बाहर, जैसे कि आप देख सकते हैं भाई लोग पानी यहाँ से पानी से हाथ धुल रहे हैं। और फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं मंदिर से बाहर दर्शन करके। और गाइज यहाँ का सीन देखिए, दोपहर का टाइम होने वाला है गाइज, शाम हो रही धीरे धीरे, काफी सारे मच्छर हैं यहाँ। तो फाइनली गाइज हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं और अब घर के लिए जा रहे हैं। बताओ इनकी बातों पर ध्यान ना दीजिएगा, ऐसे बोलता रहता है। गाइज हम लोग चलते हैं आगे। गाइज हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं चल रहे हैं पैदल। आपकी देख शायरी है, दिल मेरा निराश है इसे पूछिएगा क्या, दिल मेरा निराश है इसे पूछिएगा क्या, ज़्यादा मत बोलिए, खाटू श्याम आ जाइए मेरे साथ हाथ पकड़ के। आगे की लाइन आती नहीं है गाइज। तुम लड़कियाँ देख के शायरियाँ मारते हो ना गाइज, दोबारा चलते हैं, चैनल की वोट लग जाती है मेरे, पता है तुम्हें। गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, देख रहे हैं कि नहीं गाइज। गाइज तो देख ही रहे, आप अपना बताइए आप देख रहे कि नहीं देख रहे, और आप जरूर देखिएगा हमारा चैनल यूपी वाला। गाइज ये देखिए नीचे देखिए गाइज, हमें नहीं कुछ ज्यादा ही नीचे गाइज हमारे कैमरामैन मरते बचे, ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव गाइज, कैमरामैन मर गया भाई, यहाँ गड्ढा था यार। गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन को मरते बचाए भाई, अभी तो बच गया नहीं, वरना मैं तो नीचे जाता यहाँ नीचे चक्कर। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग आगे चल रहे हैं। और गाइज यहाँ पे कार वाले सुधरते नहीं है, गाड़ी हमेशा तेज चलाते हैं बेशरम, कहीं के देखते नहीं है यहाँ पे रोड चल रही है बेशरम। हाँ गाइज हम जवान आदमी जैसा कि आप जानते हैं हम तेज चलते हैं, और देख सकते हैं आप ये मंदिर हो के आए गाना गा रहे, देख लिए गाइज इमोशन को टच कर रहे हैं मेरे। तो फाइनली गाइज हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, और हम लोगों को रिक्शा नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ वहाँ ये अपने हरिओम भाई रिक्शा ढूंढ रहे। अच्छा लड्डू खा रहे हो, क्या खा रहे हो भाई? प्रसाद खा रहे हो। अच्छा गाइस जैसा कि हम लोग भंडारे में भंडारा खाते हैं मंदिर में, प्रसाद समझ के। तो गाइस हम लोग यहाँ बहुत देर से खड़े हैं, रिक्शा नहीं मिल रहा है, अब लग रहा है कि घर जा भी पाएंगे। भाई साहब दूर दूर तक कोई रिक्शा नहीं दिख रहा है दोनों तरफ, और राहुल भाई यहाँ रिक्शा मिलेगा नहीं मिलेगा हम लोगों को पता नहीं भाई। गाइस अगर रिक्शा नहीं मिला तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है गाइस, राहुल भाई के ऊपर बैठ के जाएंगे दोनों लोग। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं यहाँ रास्ते में, आप जैसा कि देख सकते हैं गाइज, तो यहाँ से गाइज काफ़ी दूर है हम लोगों का घर वैसे भी, लेकिन गाइज यहाँ रिक्शे नहीं मिलते हैं हमें पता चला था। और गाइज यहाँ पास ही में एक घर है, यहाँ से रोड पार करते हुए वहाँ गाइज हम लोगों की मौसी का घर है, जैसे कि आपको पता होगा सुनीता मौसी। सुनीता मौसी अगर आप ब्लॉग देख रही हैं तो हम आपके घर के पास ही हैं। तो गाइज मौसी की बड़ी याद आ रही है इस समय, मौसी के पास कार है ना गाइस, आएगी ना अब तो आएगी, जब रोड पर खड़े रहोगे तो मौसी की याद ही आएगी। मौसी नहीं मौसा की भी याद आ रही है गाइस, चलिए अब पैदल ही चलते हैं थोड़ी दूर, बाकी देख सकते हैं यहाँ से दूर दूर तक रिश्ते कोई नहीं है। आज प्रे किया क्या कि तुम्हारी जिंदगी में लड़की आ जाए? हमने खाटू श्याम वाले बाबा जी से प्रे किया कि हमारा चैनल बहुत जल्दी ग्रोथ करे, और हम प्रे कर ही रहे थे, आपने गाइस देखा होगा ये दोनों भाग गए मुझे छोड़ के गाइस, ये भक्ति भाव में बगल में मिले हमें, ये भाई आप समझ सकते हैं आंटियों के बगल में गाइस। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस स्कॉर्पियो वाला लिफ्ट दे रहा है, बंद करो। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ रास्ते में, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों को रिक्शा अभी तक नहीं मिला है, पर गाइस कोई बात नहीं, उसकी रिक्शा नहीं मिला है तो वो सब चल जाता है। ये हमारे आदित भाई बैठे हैं, और ये सामने राहुल भाई खड़े हैं मेरे। तो गाइस रिक्शा तो नहीं मिला है, पर हम लोग चौराहे तक पहुँच गए हैं, वहीं से हम लोगों को रिक्शा मिलेगा, और चलिए गाइस चलते हैं। गाइस हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हम लोग रिक्शा पकड़ के यहाँ से आए, बड़ी मेहनत से, पैर में काफ़ी दर्द हो रही है गाइस,
तो यहाँ पे शोर का काफ़ी इशू मिलेगा आपको। और बाकी गाइज हम लोग आगे आगे चलते हैं। गाइज देखिए मतलब गाइज सॉरी गाइज गाइज कुछ नहीं गाइज, अब हम लोग पहुँच चुके हैं चौक। तो गाइज अब यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं, काफ़ी रात हो गई इस वाले ब्लॉग में। अब घर पे चल के मम्मी से डांट भी खानी है गाइज, और आप लोगों को नहीं हमको खानी है, और इनको इनका पता नहीं और इनका भी पता नहीं। तो चलिए चलते हैं गाइज। और बाकी वीडियो को एंड करने से पहले चैनल पे सब्सक्राइब मारिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, और लाइक करिएगा और कमेंट तो ज़रूर करना है आपको। और बाय बाय।